जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें क्या सीखना है? यानी पौधा लगाने के लिए सबसे पहले बीज डालना पड़ता है। बीज भी डालने से पहले बीज को तैयार करना पड़ता है। बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर पौधा निकलता है, फिर उसने दरख्त बनना है और उसके बाद फल लगेंगे। तो इसी तरह इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ द बीज, यानी बुनियाद क्या है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की, बेस क्या है, कहाँ से ये अकाउंटिंग शुरू हुई? ये अकाउंटिंग शुरू होती है जी ट्रांजैक्शन से। समझते हैं जी ट्रांजैक्शन क्या है। बेसिकली देखिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिजनेस में किसी भी कारोबार में दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। एक होती हैं नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, और एक होती है फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो, पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो ना हो, ठीक है जी। यानी आपको आपके फादर से डांट पड़ गई है तो इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। आपको आपके फादर से पॉकेट मनी मिली है तो वो जो पैसा इन्वॉल्व हो गया, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होगी? विदाउट फाइनेंस। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? बेसिकली विदाउट फाइनेंस। फाइनेंस क्या है? बेसिकली मनी, पैसा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है? इन्वॉल्व्ड जिसमें हो जाए फाइनेंस, ठीक है जी। जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जहाँ प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन तलाश करना पड़ता है। अच्छा, हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सीखना है। कुछ है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कुछ है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। चलिए समझते हैं। आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी होगी जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिक्वायर्ड किसी कंपनी में हायरिंग के लिए। वो जो हायरिंग की जाती है, रिक्रूटमेंट की जाती है लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट की, लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया, शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको हायर किया, हायर करने के बाद उनकी ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करने के बाद प्रमोट किया, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, मैं कह देता हूँ कि हायरिंग क्या है बेसिकली, ये नॉन फाइनेंशियल है। एचआर डिपार्टमेंट ने लोगों को हायर करना है, हायर करते हुए इंटरव्यू करना है, पैसा तो नहीं इन्वॉल्व ना, उनको प्रमोट करना है, जेल लीजिए आपकी प्रमोशन होगी, पैसा नहीं इन्वॉल्व। तो एचआर की जो ट्रांजैक्शंस हैं ऐसी जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं, उसको कहते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और एचआर की ही जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या है? सैलरीज। जब हायर कर दिया, उनको सैलरीज जो पे की गई, पैसा पे किया, दिस इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ मसला है, ये यहाँ पे हमने अकाउंटिंग करनी है, ये तो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, ये तो एचआर वाले देखेंगे। हमने सिर्फ एचआर वालों ने जो पेमेंट करनी है, सैलरी पे करनी है, हमने उसको देखना, ठीक है जी। चलिए एक तरह से और सीखते हैं। परचेसिंग, ऑर्डर प्लेस करना। आपने कभी ऑनलाइन ऑर्डर परचेस किया हो, किसी मोहल्लेदार को कहा हो ऑर्डर परचेस करने के लिए, घर में कोई अहतमाम है, दावत की हुई है, तो नूर वाले को कहा कि भाई इतने नान लगा के, इतनी रोटियां लगा के मेरे घर पहुंचा देना। ऑर्डर दिया, अभी पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ, ऑर्डर दे के आ गए, फ़ोन पे ऑर्डर कर दिया जी, घर पे डिलीवरी कर दें। ये जो फ़ोन पे ऑर्डर किया, ऑर्डर करना, दिस इज़ नॉट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी तो पैसा इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ ऑर्डर किया है। इस तरह बिजनेस में जब परचेज़ किया जाता है कुछ, तो उसके लिए जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है, ऑर्डर, प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाले जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, दिस इज़ नॉट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हाँ, ऑर्डर के बाद जब वो चीज़ें आपके डोर स्टेप पर आ गई, या आपने उनको ख़रीद लिया, आपको डिस्पैच हो गई, आपको डिलीवर हो गई, तो उसको कहते हैं परचेजेस। अब पैसा इन्वॉल्व हो गया, जब आपने उसको ख़रीद लिया तो पैसा इन्वॉल्व, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। अभी कैश में दे दें, चेक की सूरत में दे दें, या उधार कर लें, लेकिन पैसा इन्वॉल्व हो गया। ऑर्डर करना इज़ नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हाँ, ख़रीदारी करना, येस दिस इज़ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। एक और देख लें, एडवर्टाइजमेंट। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट करता है,
ठीक है जी, आपने मास्टर की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी मेरी नन्हे कली, फिर आपने बर्जर पेंट की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, फिर आपने पहली एडवर्टाइजमेंट देखी होगी चेंज द लाइफ। ये जो एडवर्टाइजमेंट बनती है कि आने वाला सीज़न है, कैफ की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट का जो प्लान बन रहा है, एडवर्टाइजमेंट का प्लान, वो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो वो जो प्लान ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, यह एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हाँ, इस एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पैसे पे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, जब पेमेंट कर दी तब वो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब प्लान किया जा रहा है तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो गया, दिस इज़ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस तरह बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। तो ये हायरिंग का काम एचआर वाले करेंगे, ऑर्डरिंग का काम प्रोक्योरमेंट वाले करेंगे, प्लानिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हाँ ये प्रोडक्शन वाले भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन यानी मीडिया वाले, हमारा जो मीडिया की टीम है, हमारी सोशल मीडिया की टीम, एडवर्टाइजमेंट की टीम, मार्केटिंग की टीम, वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटेंट साहब, ये जो हम अकाउंटेंट हैं, हमने क्या करना है, सैलरी, जहाँ पैसा है सिर्फ वहाँ पे अकाउंटेंट है, जहाँ परचेज कर ली पैसा आ गया वहाँ पे अकाउंटेंट आ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए, जहाँ एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस यानी पैसा आना है और पैसा जाना है, वो आपके हाथों से जाना है, आपने उस पैसे का रिकॉर्ड रखना है, दिस इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं इनकी अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, इनकी अकाउंटिंग की जाती है। व्हाई, क्यों भाई, इनकी क्यों अकाउंटिंग की जाती है? देखें, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ पे हिसाब किताब तो होगा ना। आपको पॉकेट मनी दी गई, बताएं जी कहाँ पे खर्च किए, पेरेंट्स हिसाब किताब लेते हैं। तो अगर आपको याद है, आपने कहीं पे रिकॉर्ड रखा हुआ लिखा हुआ, तो आप बता देंगे यहाँ जहाँ पैसे खर्च किए। ठीक है, पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए, फीस जमा करा के आएँ, अब आपने फ़ीस जमा करा दी, जब वापस आएंगे आपसे पूछेंगे हाँ जी फ़ीस जमा करा दी, आप कहेंगे जी, बेफिक्र हो जाएं वो, नहीं, वो कहेंगे बताएं जी कैसे जमा कराई, तो आप उनको रसीद दिखाएंगे, ये देखें जी मैंने फ़ीस जमा करा दी। तो जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे हमें कुछ रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ताकि सबूत दे सके, ताकि अकाउंटेबिलिटी करा सके अपनी। ठीक है जी, जब सवाल पूछा जाए तो हमारे पास जवाब मौजूद हो। तो अकाउंटिंग किसकी करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। तो हम अकाउंटेंट से जब सवाल पूछा जाए तो हमारे पास उसका रिटर्न रिकॉर्ड हो, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज़ दी अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज आपने क्या सीखा, आपका सब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तारुफ है, इंट्रोडक्शन है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड करने को कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है जी, क्यों की जाती है, कौन करता है, अब देखिएगा थोड़ा सा बिजनेस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। देखिए जी, ओनर साहब हैं सबसे पहले, ओनर कौन है, दिस इज ही इज इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस, जिसने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया, ही इज द ओनर। ओके, क्या सारे ओनर्स कारोबार करना जानते हैं, क्या सारे ओनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या सारे जो ओनर्स हैं उन्होंने कोई ना कोई अकाउंटिंग की एजुकेशन ली हुई है? अरे बाबा नहीं, और अगर ली भी हुई है तो क्या उनके पास इतना टाइम है ओनर के पास कि वो सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखना शुरू हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ओनर्स क्या है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इनके बाद कौन आते हैं, अकाउंटेंट्स आते हैं। ये जो ओनर्स हैं ये अकाउंटेंट को हायर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं,
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं? दे रन बिजनेस, ये बिजनेस को रन करते हैं। तो बेसिकली अकाउंटेंट साहब को ओनर अपना पैसा दे देता है, ये ले जी मेरा कारोबार चलाएं। अब ओनर साहब के पास जब पैसा आ गया तो उनको हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, भाई कहाँ पैसे लगाए, कहाँ से कमाए, कौन से सासे बनाए, किन लोगों के पैसे देने हैं। तो ये सारा हिसाब किताब कौन रखेगा? अकाउंटेंट साहब रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ही इज़ द वन पर्सन। वो कौन है? वी आर द अकाउंटेंट। हमने जितना भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, बीइंग एन अकाउंटेंट करना है। हम कौन है? हम अकाउंटेंट हैं, वन पर्सन। जब बिजनेस का नाम लिया जाए तो कौन? हम। जब अकाउंटेंट कहा जाए तो कौन? हम। तो बिजनेस बेसिकली कौन चला रहे हैं? हम अकाउंटेंट चला रहे हैं। और हम हर एक एक पैसे का कहाँ से इनफ्लो हुआ, कहाँ पे आउटफ्लो हुआ, उसका हिसाब रखते हैं, ताकि जब हमसे रसीदें मांगे जाएँ, पनामा में हमारे फ्लैट निकल आए, जब हमसे रसीदें मांगी जाएँ तो हम रसीदें दे सकें। ठीक है, तो ये ओनर साहब कौन है? अब ओनर साहब आराम से पैसा लगा के इंजॉय करते हैं, उनका जब दिल चाहता है पैसा लगा देते हैं, आपको दे देते हैं, जब दिल चाहता है आपसे पैसे ले जाते हैं। तो ओनर की कारोबार के साथ सिर्फ दो तीन ट्रांजैक्शंस हैं, पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा विड्रॉ करना। और हमने जो भी बिजनेस करके पैसा कमाया वो प्रॉफिट ओनर साहब को ट्रांसफ़र कर देना। तो ओनर इज़ अ सेपरेट पर्सन, अकाउंटेंट एंड बिजनेस इज़ वन पर्सन एंड ओनर इज़ एन अदर पर्सन। ठीक है जी, तो हमने जब भी सोचना है अकाउंटिंग पूरी करते हुए, हम कौन हैं? वी आर द अकाउंटेंट। हमने अकाउंटेंट बन के अकाउंटिंग सीखनी है, हम कारोबार को चला रहे हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मनी, फॉर द इन्वेस्टमेंट, फॉर द बिजनेस ऑफ द ऑनर। ठीक है, तो हमने हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना है। क्या हायरिंग करना भी हमारा काम है? नहीं जी, वो एचआर वालों का काम है, वो करेंगे। क्या खरीदना भी हमारा काम है? नहीं, ऑर्डर एचआर वाले प्लेस, प्रिक्योरमेंट वाले प्लेस करेंगे। हमने सिर्फ, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, हमने पैसा देना, पैसा लेना, पैसा देना, पैसा लेना, हमारा सिर्फ पैसे से रिलेटेड काम है। तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अकाउंटिंग, यानी रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये सीखते हुए, समझते हुए हमने सारी अकाउंटिंग करनी है। ठीक है जी, थैंक यू।